मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उसे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उसे आगे बढ़ना चाहता। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता, और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं, वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा, और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामे, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। मन बड़ी ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग जो तत्व हमें मिले उन सब का अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए,
किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना, देखो सुनो समझो अधिक, बोलो कम। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे।